शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् अंगद सुना पवन सुत गढ़ पर गय अकेले रण बांकुरा बाली सुत तरकी चढ़ऊ कपिखेल यावर राम चंद्र की जय। ऑनलाइन संगोष्ठी में जुड़े हुए समस्त गुरुजनों को, विज्ञजनों को और इस लिंक के संचालक आदरणीय झाल सिंह जी को मैं सादर नमन करता हूं। और आइए लंका कांड का वह पावन प्रसंग दोहा क्रमांक 42 जिसको मैं अभी वाचन किया है, इसी के कुछ भावों को आपके बीच रखने का प्रयास करूंगा। रामचरितमानस में भगवान के जस और प्रताप को प्रचारित करने वाले अनेक भक्त हुए हैं। प्रस्तुत प्रसंग का शीर्षक है हनुमान जी और अंगद जी के द्वारा भगवान के जस प्रताप शौर्य वर्णन, अर्थात अंगद और हनुमान जी के शौर्य के माध्यम से राम जी के जस प्रताप की चर्चा हम आपके बीच रखने का प्रयास करेंगे। तो मानस में अनेक भक्तों ने अनेक पात्रों के द्वारा राम के जस और प्रताप का को प्रचारित किया गया है। प्रमुख पात्र हैं इनमें लक्ष्मण जी, वंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता, रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस ताका। और इसी में भी जितने भी वानर भालू हैं जो दक्षिण दिशा में भेजे जाते हैं, जामवंत, अंगद, नल नील, हनुमान जी आदि जो है भगवान के अपने शौर्य के माध्यम से भगवान के अवतार के कार्य को जो है सिद्ध करते हैं और भगवान के प्रताप और शौर्य और बल को प्रचारित करते हैं। आइए लंका कांड का वह पावन कथा प्रसंग अंगद जी के द्वारा लंका से लौट जाने के पश्चात शांति समझौता की बात जो है पूर्णतः अवरुद्ध हो जाती है। ये निश्चित हो जाता है कि लंका के मोह के प्रतीक रावण के विरुद्ध संघर्ष अनिवार्य हो गया है और इसलिए भगवान राम जो है अपने कपि सेना भालू के बीच जो है योजना बनाते हैं। रिपु के समाचार जब पाए राम सचिव सब निकट बुलाए, सभी मंत्रियों को निकट बुलाया और कहते हैं कि लंका दुर्ग पर इस प्रकार से विजय प्राप्त करना है, चढ़ाई करना है। के विधि लागी करूं विचारा, लंका बांके चारी द्वारा। तब निश्चित हुआ कि लंका में चारों दिशाओं में आक्रमण किया जाए। लंका के चार प्रमुख द्वार हैं और इन प्रमुख द्वार पर जो है लंका की संरक्षण हेतु मेघनाथ, महोदर, अतिकाय और ये सब राक्षस जो है डटे हुए हैं और इन सब के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए प्रमुख द्वार है जिसको भोग द्वार कहा जाता है, जहां रावण के ज्येष्ठ पुत्र शक्तिशाली इंद्रजीत मेघनाथ जो है सुरक्षा कर रहा था। उस द्वार पर पवन पुत्र हनुमान जी जो है चढ़ाई करते हैं। इसी प्रकार के संग्रह द्वार और सम्मान द्वार आदि चारों द्वारों के ऊपर अंगद, नल नील आदि के द्वारा जो है के नेतृत्व में जो है चढ़ाई किया जाता है। तो प्रारंभ में
चढ़ाई के प्रारंभ में ही वानर भालू बड़े शौर्य के साथ राम की कीर्ति को प्रचारित करने का प्रयास करते हैं, निशाचर संहार की प्रक्रिया को आरंभ करते हैं। और ऐसा लगता है कि अब निशाचर जो है मारे जाएंगे, और निशाचर भी निराश हो चुके थे पहले संघर्ष में। लेकिन बाद में जब निशाचर लोग जो है वापस होने लगे तो रावण जो है उनको ललकारा, और ललकार करके उन्होंने ये कहा कि रण से भागना, रण से पीठ दिखाना उचित नहीं है, और तुम्हें लड़ाई करके अपनी जान भले दे देना है। ऐसा रावण के भय के कारण से और रावण के हुंकार के कारण से लौट रहे राक्षस जो है वो जो है पुनः लड़ाई के लिए चल पड़ते हैं। लंका भयों को लाहल भारी, सुना दशानन अति अहंकारी, देखो वरना ही केरी ढिठाई, विहस निशीचर सेन बुलाई। और उसके पश्चात सब जो है पुनः युद्ध करते हैं और जोर शोर से युद्ध करते हैं। तो बाद में ऐसा लगता है कि वानरी सेना जो है पराजित होते हुए दिखाई देते हैं, और उस स्थिति में वानर लोग जो है अपने अपने प्रमुख योद्धाओं को जो चार द्वार पर मुखिया के रूप में डटे हुए थे, हनुमान अंगद नल और नील, इनको पुकारते हैं रक्षा के भाव से। और उस समय जो है हनुमान जी पश्चिम द्वार पर मेघनाथ के साथ काम के साथ युद्ध कर रहा था, और वो जो है इनके भय को दूर करने के लिए जो है पुनः दौड़ पड़ते हैं। अकेला हनुमान जी महाराज अकेला जो है दौड़ पड़ते हैं, और इसी की सूचना अंगद जी को मिलती है। अंगद सुना पवन सुत गढ़ पर गयो अके, रणबा कुरा बाली सुत तरह की चढ़ऊ कपी खेर। अंगद जी ने, युवराज अंगद जी ने सुना कि पवन पुत्र अकेले ही गढ़ पर गए हैं, लंका दुर्ग पर गए हुए हैं, अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं। तो तब जो है रण में बांकुरा बाली पुत्र अंगद जो है कपी खेल की तरह खेल करते हुए उनकी सहायता करने के लिए वहां पहुंच जाते। और जब हनुमान जी और अंगद एक हो जाते हैं, एक साथ लड़ाई करते हैं, तो निशाचर संहार की प्रक्रिया दुर्गुणित हो जाता है। दोनों जो है बढ़ चढ़ के राक्षसों को मारने का अद्भुत प्रयास करते हैं। तो प्रस्तुत प्रसंग को जो है इस रूप में कह सकते हैं कि जिस प्रकार से भगवान राम और लक्ष्मण की अद्भुत जोड़ी है, राम और लक्ष्मण की जोड़ी है, उसी प्रकार से अंगद और हनुमान जी की जो है अद्भुत जोड़ी दिखाई देता है। लक्ष्मण जी जहां एक ओर अपने चरित्र के माध्यम से, अपने चरित्र रूपी दंडा के माध्यम से भगवान के शौर्य को, भगवान की कीर्ति को प्रचारित करते हैं, भगवान के चरित्र के सद्गुणों को प्रचार प्रसार करते हैं, उसी तरह अंगद और हनुमान की जोड़ी भी भगवान के चरित्र को जो है प्रचारित करते हैं। अंगद के अंतःकरण सुग्रीव के प्रति जो है सद्भाव नहीं था, लेकिन हनुमान जी और भगवान भगवान श्री राम के प्रति सद्भाव था। ऐसे देखा जाए कि बाली वध के कार्य में तीन पात्रों की प्रमुख भूमिका थी, एक तो स्वयं आंजने प्रेरक के रूप में, सुग्रीव निमित्त के रूप में जिसके लिए बाली का वध किया गया, और भगवान बाली वध के कर्ता के रूप में दिखाई देते हैं। तो बाली वध के कार्य में तीन पात्रों की अहम भूमिका है। हनुमान जी की माध्यम से ही राम सुग्रीव की मैत्री संपन्न हुआ। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई, पावक साखी देई करी जोरी प्रीति दिढ़ाई। और इस प्रकार से हनुमान जी प्रेरक हैं, और पहले बाली और सुग्रीव में प्रीति थी, लेकिन मैं सुत मायावी की घटना के कारण से प्रीति बैर के रूप में परिणित हो जाता है। सुग्रीव की राजपाट स्त्री का हरण बाली के द्वारा किया जाता है, बाली के द्वारा सुग्रीव को बहुत दुख दिया जाता है। तो उस समय हनुमान जी के द्वारा मित्रता की भूमिका संपन्न करवाई जाती है, और मित्र धर्म की रक्षा के लिए, शरणागत की रक्षा के लिए भगवान कर्ता के रूप में
बाली वध की प्रतिज्ञा करते हैं, सुन सुग्रीव मैं बालिकाओं, बाली ये कही बान ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उभरे प्राण, और प्रतिज्ञा ही नहीं करते बल्कि बाली का वध कर देते हैं। बहु छल बल सुग्रीव कर ही हारा भय मानी, मारा बाली राम तब हृदय मांज सर तानी। बाली का वध करने वाले राम, मित्रता कराने वाले हनुमान जी के प्रति जो है अंगद के मन में किसी भी प्रकार की दुर्भावना नहीं है, सद्भावना है, समर्पित है, क्योंकि इनका चरित्र उज्ज्वल था। लेकिन सुग्रीव के चरित्र की दृष्टि से जब अंगद विचार करता है कि सुग्रीव ही वह कारण है जिसके कारण से बाली का वध हुआ, और सुग्रीव की चारित्रिक कमी, सुग्रीव के चरित्र की कमी या चारित्रिक पतन या चारित्रिक दुर्बलता ही अंगद के मन में कुंठा का भाव जो है सुग्रीव के प्रति पैदा कर देता है। सुग्रीव को देखा था अंगद ने कि बाली वध के पश्चात सुग्रीव जो है विषय परायण हो जाता है, कामुक हो जाता है, यहाँ तक कि राम के कार्य को भूल जाता है। साक्षात ईश्वर के मित्र होते हुए भी सुग्रीव के कार्य में अंगद को अनुचित दिखाई देता है। अंगद को ऐसा लगता है कि सुग्रीव भगवान की कृपा और उदारता का दुरुपयोग करता है। सुग्रीव अधिकारी ना होते हुए भी भगवान की, भगवान राम की और संत हनुमान की कृपा और उदारता का लाभ ले रहा है और इसके लायक वो नहीं है, ऐसा सोचता है। विषय परायण है, लीन है, और इसी काम वासना की अपराध को अंगद जो है क्षमा नहीं कर पाए, और इसी के कारण से सुग्रीव के आपके लिए ही तो अंगद को समझाते हुए को है विदाई करते हैं, ताकि सुग्रीव और अंगद के बीच एक सेतु बने, दोनों में सद्भावना का संचार हो और अंगद में भगवत कृपा से दोनों जो है जुड़ जाते हैं। ये है तो सुग्रीव के प्रति अंगद की भावना। अब आइए श्री राम और हनुमान ऐसे सुग्रीव के प्रति सुग्रीव जब राम राम ने कहा था काज हमार ता तुही तो होई, रिपुसन करहि बत कहीं सोई, पहले हमार कार्य हो जाए और रावण का हित हो जाए। ये राम जी का संदेश था, प्रेरणा था, उपदेश था। तो लेकिन अंगद जी ने पहले जो है हित की बात कहा, समझाने का प्रयास किया, दसमुख में दबा ले इनका को और कंठ में कुल्हाड़ी रख लेना, नरनारी और कुटुंब सहित जाकर श्री राम को दे देना और शरणागत राम से जाकर के अपना अपराध कटा लेना, विधड़क राज कर लंका का संपूर्ण पाप जलवा लेना। इन बातों का रावण के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो आगे जो है अपनी मुटका प्रहार के द्वारा रावण को पराजित करते हैं, फिर आगे पैर रोप करके रावण को यानी पराजित करते हैं। इस प्रकार जो कार्य हनुमान जी करते हैं वही कार्य अंगद जी करते हैं। और प्रस्तुत प्रसंग में जब अंगद जी को मालूम हुआ कि अंगद सुना पवन सुता गढ़ पर गयो अकेल, पवन पुत्र हनुमान जी लंका के दुर्ग पर अकेला गया हुआ है, तो अंगद जी जो है त्याग का प्रतीक है और हनुमान जी जो है विश्वास का प्रतीक है, तो वो हनुमान जी को सहायता करने के लिए
निशाचरों को संहार करने के लिए हनुमान जी पहुंच जाते हैं। गढ़ पर गए हूँ अकेले, हनुमान जी अकेला था। अकेला किसको कहा जाता है? अकेला और अति अकेला शब्द रामचरित मानस में आया है। प्रताप भानु के प्रसंग में राजा प्रताप भानु जब कपटी मुनि के चक्कर में फंसते हैं तो अति अकेल हो जाता है, अति अकेल बन विपुल कलेशु। तो जब संसार के सभी लोग साथ छोड़ दे लेकिन ईश्वर साथ ना छोड़े, ईश्वर की कृपा बनी रहे तो वो अकेला कहलाता है। और जब ईश्वर का भी साथ छूट जाए, संसार के साथ साथ ईश्वर की भी कृपा छूट जाए, साथ छूट जाए, तो जीव अति अकेला हो जाता है। तो यहाँ हनुमान जी अति अकेला नहीं, हनुमान जी अकेला है। अकेला है इसका मतलब ईश्वर की कृपा बनी हुई है हनुमान जी के ऊपर और राम जी का साथ है, लेकिन निशाचर संहार की प्रक्रिया में अकेले हैं और इसलिए साथ देने के लिए अंगद जी वहां चले जाते हैं। तो अंगद सुना पवन सुत, पवन सुत जो है अकेला गढ़ पर गए। लंकागढ़ क्या है? लंका जो है कहा जाता है लंका स्वर्णिम लंका है, सोने की बना हुआ है। और हमारे अंतःकरण में, हमारे शरीर में जो है लंका जो है प्रवृत्ति की है, वपुष ब्रह्मांड सुप्रवृत्ति लंका दुर्ग। और मन रूपी मैदानों ने उस लंका को बनाया है, स्वर्णिम प्रवृत्ति की लंका। तो जिनको राजधानी बनाया था रावण, अंगद सुना पवन सुत गढ़ पर गए अकेले। और पवन सुत समय समय पर किला पर किसी किसी पर्वत पर गिरी पर चढ़ी लंका कहीं देखी, वहां गिरी पर चढ़ करके लंका को देखे थे, लंका के सुहेल पर्वत पर चढ़े थे। और यहाँ जो है लंका की इस गढ़ पर, लंका दुर्गम गढ़ पर भी चढ़ जाते हैं और निशाचर संहार की प्रक्रिया को जो है संपन्न करते हैं। ठीक उसी समय अंगद जी चले जाते हैं। तो अंगद जी के जाने से निशाचर संहार की प्रक्रिया द्विगुणित हो जाता है। जिस गति से हनुमान जी निशाचरों का संहार कर रहे थे उसे दुगुना गति से जो है निशाचरों का संहार होने लगा। दो व्यक्ति का काम डबल होगा। और रामचरित मानस में हनुमान जी सुंदरकांड में अकेले निशाचरों का संहार करते हैं, मेघनाथ की सेना का संहार करते हैं। और द्वितीय बार जब रामदूत बनकर के जाते हैं तो वहां भी अंगद जी निशाचरों का संहार करते हुए, मान मर्दन करते हुए, रावण का मान मर्दन करते हुए दिखाई देते हैं। और प्रस्तुत प्रसंग में दोनों मिलकर के एक मित्र की भांति, एक भाई की भांति जो है मिलकर के जो है भगवान के शौर्य को प्रचारित कर रहे हैं अपने शौर्य के माध्यम से। अंगद सुना पवन सुत गढ़ पर गयउ अकेल, और रण बांकुरा बाली सुत तरक की चढ़ेउ कपि खेल। और बाली सुत क्या है? अंगद जी का परिचय रामचरित मानस में बाली पुत्र के रूप में ही दिया जाता है। बाली ने अंगद जी को भगवान को समर्पित किया था मृत्यु के समय। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण पद प्रभु कीजिए, गहिबाह सुरनर ना आपन दास अंगद कीजिए। अंगद जी जब बाली की अहंता और ममता दूर हो जाता है तो अंगद जी को अपनी ममता को भगवान में समर्पित कर देते हैं। ये बाली का समर्पण और रामचरित मानस में बाली सूत कहना बाली कुमारा लंका पठे बाली कुमारा, जामवंत जी ने कहा। और हनुमान राम जी के द्वारा भी बालू कुमार कहा जाता है, विदा करते उस समय भी कहा जाता है निजोर माला बसन मणि बाली तनय पहनाए। तो बाली अंगद का बाली तनय होना मानी बाली के पुत्र होते हुए भी बाली जो भगवान के शत्रु के रूप में दिखाई देते हैं सुग्रीव के शत्रु होने के कारण से, लेकिन अंगद जो है भगवान के प्रति और संत के प्रति समर्पित हैं। तो बाली सूत कहना माने अंगद के सम्मान को बढ़ाता है। और ये बाली सूत होना अंगद जी के जीवन के लिए सौभाग्य की बात है। और अंत में राम के चरणों में समर्पित हो गया। वो कैसे हैं? रण बांकुरा, बाली सूत जो है रण में बांकुरा है। इस प्रकार से बाली रण में बांकुरा था उसी प्रकार से पुत्र अंगद भी रण में बांकुरा है। बाली जो है किसी की ललकार नहीं सह सकता था। और प्रस्तुत प्रसंग में अंगद जो है जिस द्वार पर आक्रमण कर रहा था
महापार्श्व और महोदर जिनसे यह मोर्चा लड़ रहा था उनको जो है पराजित कर देते हैं और हनुमान जी को सहायता करने के लिए निशाचर संहार की खेल में सहायता करने के लिए आ जाते हैं। जिस प्रकार बाली निर्भय था, फुर्तीला था, उसी प्रकार से अंगद भी निर्भय था, रावण के दरबार में जाता है निशंक जाता है और फुर्तीला था, कोई भी कार्य जो है तेजी से संपन्न करता था, इसलिए रणबांकुरा। इसी प्रकार से बाली रिपुबल सह न पारा, वैसे ही यह रणबांकुरा अंगद भी जो है रण में जो है बांकुरा है, यह शत्रु का या कपि सेना से विकल करना न सह सका। अभी मेघनाथ के द्वारा लंका के निशाचरों के द्वारा समस्त बानरी सेना को विकल कर दिया गया, इस बात को बाली की तरह जो है सहन नहीं कर पाए और इसलिए अंगद जी जो है रण में बांकुरा है। शत्रु के मान मर्दन के लिए हनुमान जी के सहायक के रूप में कूद पड़ते हैं और जिस प्रकार से बाली निर्भय था उसी प्रकार से भगवान के प्रताप को लेकर के अंगद जी भी निर्भय हैं। प्रभु प्रताप और सहज अशंका और रण बांकुरा बाली सुत बंका, जब राम जी के पास से चले थे तो प्रभु प्रताप और सहज अशंका और रण बांकुरा बाली सुत बंका, और उसी प्रकार से रावण की सभा में गए तो निशंक होकर के जो है सिंह के बच्चे की तरह निर्भय होकर के चलते हैं और रण बांकुरा बाली सुत तरह की चढ़ाइयों का पिखेर, और ऐसा लगता है जानो मानो बानरों का एक खेल हो रहा है। बाल्यावस्था में बालक खेल करते हैं, कभी रामलीला करते हैं, कभी कृष्ण लीला करते हैं, उनका खेल दिखाते हैं, नाटक दिखाते हैं। उसी प्रकार से बानर जो है भगवान के अवतार के उद्देश्य निशाचर संहार, भक्तों को सुख देना, असुर मार था पहि सुरन राखें निज श्रुति सेतु, जग विस्तार विमल जस राम जन्म कर हेतु, निशाचरों के मार कर जो है राम का कार्य जो है संवारते हैं। कपि खेल कैसे करते हैं तो शाखा मृगते बड़ी मनुषाई, शाखा ते शाखा चढ़ी धाई, बानर का स्वभाव है एक शाखा से दूसरे शाखा पर चले जाना। और प्रभु के शील वर्णन में भी कहते हैं, प्रभु तरुतर कपिटार पर ते की आप समान, तुलसी कहू न राम से साहिब शील निधान। और प्रस्तुत प्रसंग में देखने को मिलेगा कि अंगद और हनुमान जी मिल करके संयुक्त रूप से किस प्रकार से लंका पर आक्रमण करते हैं, ये दिखाई दे रहा है नीचे के चौपाई पर। युद्ध विरुद्ध क्रुद्ध दो बंदर, युद्ध विरुद्ध क्रुद्ध दो बंदर और राम प्रताप सुमिर पुर अंतर। जब निशाचर को मारने का खेल करते हैं दोनों बानर मिल करके तो राम के प्रताप को पहले स्मरण करते हैं। अंगद जी लंका गए तो भी राम के प्रताप का स्मरण किए, हनुमान जी जब लंका गए तो लंका ही चले सुमेरी नर हरि राम को स्मरण करते हुए कहते हैं, प्रविष्टि नगर की जय सबका जा, हृदय राखी कौशल को राजा जैसे लंकनी कही, तो स्मरण करते हैं। यहाँ भी क्रुद्ध विरुद्ध युद्ध विरुद्ध निशाचरों के युद्ध के विरुद्ध क्रुद्ध दो ही बंदर, दोनों बंदर जो है क्रोधित हो जाते हैं और राम प्रताप सुमिर उरंतर। और रावण भरा भवन चढ़ा दो भाई, दो भाई दोनों बानर दौड़ करके रावण के वो महल पर चढ़ जाते हैं और कर ही कौशलाधीश दुहाई, कौशलाधीश राजा राम की दुहाई देते हैं और कलश सहित गही भवन ढहावा, लंका के उस भवन को कलश सहित गिरा देते हैं। देख निशाचर पति भय पावा, निशाचर पति अर्थात रावण और लंका के निशाचर सब भयभीत हो जाते हैं, लंका की नारियां भयभीत हो जाती हैं, नारी वृंद कर पीट ही छाती, अब दुई कपियाए उत्पाती। तब गोस्वामी जी कहते हैं, तरह की चढ़ाई कपि खेल जो दोहा में दिया गया है, कपि लीला करी तीन ही डेढ़ाई, कपि लीला करते हैं और लीला करके निशाचरों को भय दिखाते, निशाचर के द्वारा बानरों को जो भय दिखाया जा रहा था आज कपि लीला करके हनुमान और अंगद निशाचरों को जो है भय दिखा रहे हैं। रामचंद्र कर सुजस सुनाय, और रामचंद्र की सुजस को सुना रहे हैं,
कुनी कर गही कंचन के खंभा, और कन्हेउ करिय उत्पात आरंभा। सोने की खंभा को पकड़ के उत्पात करना प्रारंभ कर देते हैं, और इसके माध्यम से लंका निवासियों का भी ध्यान आकर्षित करते हैं। लंका निवासी सोचते हैं कि हनुमान यही बंदर जब पूर्व में आए थे तो उनका आक्रमण देख चुके थे हनुमान जी महाराज का, अंगद भी आए थे तो उनका भी प्रभाव जान चुके थे, ये वही बानर तो नहीं होगा जो लंका को जला करके गए हैं, पिशाचर को मार करके गए हैं, वाटिका को उजाड़ करके गए हैं। ऐसा लंका निवासी जो है पूर्व और वर्तमान और आगे भविष्य में भी कल्पना करते हैं कि आगे लंका का क्या होगा। गर्जे ही पड़े रिपु कटक मझारी, लागे मर्द भुजबल भारी। और गोस्वामी जी लिखते हैं, काहू ही लात चपेट ही केहू, भजहु न राम ही सो फल लेहू। अंगद हनुमान की भावना यह है कि अरे राक्षसों, तुम लोग राम का भजन नहीं करते हो ना, राम के विमुख हो, तो राम विमुख होने का क्या फल है, इनको भोगो। ऐसा उनको चुनौती देते हैं राक्षसों को, और रावण को एक संदेश देते, सावधान करने का प्रयास करते हैं कि अरे रावण अब भी सावधान हो जाए। और क्या करते हैं, एक एक सौ मर्द ही एक एक राक्षस को मसलते हैं, तोड़ चलावा ही मुंड, और उनके मुंड को जो है तोड़ करके फेंक देते हैं। और ये मुंड कहाँ जाते हैं, रावण आगे पर ही थे जनु फोट ही दधि पुण। इस प्रकार से दधि पात्र दधि सहित फूट जाता है, दधि खराब हो जाता है, पात्र भी खराब हो जाता है, नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार राक्षसों के मुंड जो है दधि पात्र की तरह रावण के समक्ष गिरता था और फूट जाता था। हनुमान जी की पहली यात्रा में आप लोगों ने देखा है कि हनुमान जी राक्षसों को कैसे मारते हैं, कछु मारे से कछु मर्द से कछु मिले इसी धरी धूरी, और कछु पुनी जाई पुकारी प्रभु मर कट बल भोरी। वैसे ही यहाँ एक एक सौ मर्द तोरी चला वही मुन, रावण आगे पर ही थे जन्म फूट ही दधि कुंड। इसके इसके माध्यम से क्या संकेत करते हैं, हनुमान जी और अंगद का शौर्य तो दिखाई देता ही है, साथ ही साथ अपने इष्ट अपने भगवान राम के शौर्य को भी, राम के प्रताप को भी प्रचारित करते हैं, साथ ही साथ रावण को सावधान और चेतावनी देने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार से दधि पात्र में दधि बड़े परिश्रम से बड़े मेहनत से एकत्रित होता है, और उनका लक्ष्य है दधि के माध्यम से मक्खन की प्राप्ति और मक्खन के माध्यम से घी की प्राप्ति, ये उनका लक्ष्य है बड़े परिश्रम से। उसी प्रकार से राक्षसों को संकेत करते हैं कि मानव शरीर भी बड़े परिश्रम से मिला है, बड़े भाग मानुष पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। और इस प्रकार से और ऐसे परिश्रम से मिला हुआ मानव शरीर को तुमने नष्ट कर दिया, भगवान के विमुख हो गए, भगवान का भजन नहीं किए, ऐसे ही उनको संकेत करते हैं। और दूसरा संकेत ये है कि महा महा मुखिया जे पावही, जो सर में राक्षसों के दल महा महा मुखिया थे उनके पैर को पकड़ लेते थे, तेपद गही प्रभु पास चलावही, उनके पैर को पकड़ के भगवान के पास भेज देते हैं। इसके माध्यम से क्या बताना चाहते हैं, कहीं विभीषण तीन के नामा, विभीषण के द्वारा उनका परिचय दिया जाता है, और ते ही राम तीनहु निज धामा, भगवान उन्हें अपने धाम देते हैं। इस प्रकार से हनुमान जी और अंगद इस प्रक्रिया के माध्यम से भगवान के जो संहार शक्ति का भी परिचय देते हैं राक्षसों को मार करके, और अनुग्रह शक्ति का भी परिचय देते हैं, और समय का भी तकाजा है। और रामचरितमानस में मैं थोड़ा संकेत कर दूं आध्यात्मिक दृष्टि से कि जहां आज ने जो सिद्धि का प्रतीक है, लक्ष्य को प्राप्त चुका है कर चुका है, अंगद जो है साधना के प्रतीक हैं, हनुमान जी जहाँ सात्विक सेवा भावना के प्रतीक हैं, अंगद जी जो है राजसिक सेवा भावना के प्रतीक हैं, हनुमान जी के जीवन में जहाँ पूर्ण समर्पण की भावना है, अंगद के जीवन में समर्पण में विलंब है, हनुमान जी से बाद ही समर्पण होता है और देरी से जो है पूर्ण समर्पण होता है जब सुग्रीव के प्रति उनका कुंठा जो है दूर होती है और बाली का अहंकार भी नष्ट हो जाता है, तब बाली में सात्विक भावना का उदय होता है,
इसी प्रकार से हनुमान जी की तरह अंगद में भी सात्विक भावना का उदय होता है, तो दोनों ही रामदूत होने का गौरव प्राप्त करते हैं। दोनों मेघनाथ के ऊपर, राक्षसों रावण के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, और हनुमान जी मेघनाथ काम के ऊपर विजय प्राप्त करने, जहाँ ब्रह्मचर्य और वैराग्य, प्रबल वैराग्य के प्रतीक हैं, और हनुमान अंगद जी जो धर्म नियंत्रित काम के रूप में दिखाई देते हैं। आज के प्रसंग से यही सीख लेना है कि हमको बड़े भाग्यमान उत्तम पाए हैं, भगवत भजन करना है, राम विमुख होना है, अनुचित कार्यों का समर्थन नहीं करना है। इन्हीं भावों के साथ आइए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्यावर रामचंद्र।